और इधर की साइड दिखाई दे रहा है एक मखना एलिफेंट। दोस्तों इधर की साइड आपको देखने को मिलेगा एक और नया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, और मैं आपका दोस्त एंड होस्ट अभिषेक कुमार, और आप देख रहे हैं अभी ब्लॉग जोन। हम इस समय सुंदरखाल विलेज की ओर और जाएंगे आगे की ओर और देखते हैं क्या देखने को मिलता है। तो दोस्तों यह है पूरी कोर टाइगर टेरिटरी, और ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का बफर जोन, क्योंकि इधर की साइड शाम के वक्त टाइगर की तगड़ी मूवमेंट दिखाई दे जाती। तो दोस्तों यहाँ पता नहीं कहीं से भी निकल के और टाइगर आ सकता है आपके सामने। और ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का बिल्कुल मेन एरिया, और आगे की साइड आपको दिखाई देगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का डिकाला का गेट, और इधर की साइड बोर्ड लगा है हाथी बहुमूल्य क्षेत्र। यहाँ से अक्सर आपको शाम के वक्त एलिफेंट की भी तगड़ी मूवमेंट दिखाई दे जाएगी, क्योंकि यह एलिफेंट का क्रॉसिंग पॉइंट। तो चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं शाम के वक्त क्या देखने को मिलता है। और आगे आने वाला है दिकाला का गेट, धनगढ़ी गेट, और आगे धनगढ़ी नाले पे भी पिछली बार हमने आपको दिखाया था एलिफेंट का तगड़ा ग्रुप, जिसमें 20 से 25 एलिफेंट थे वो देखने को मिला। तो चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं क्या देखने को मिलता है। और चल रही है शाम के वक्त बड़ी तेज तेज हवाएं, और मौसम भी हो सकता है शायद खराब। और आप देख रहे हैं फिर से हरी हरी घास और ऊंचे ऊंचे पेड़ फिर से होने लगे बारिश पड़ते। दोस्तों ये देखिए आप, इधर की साइड भी स्पॉटेड डियर का एक झुंड खड़ा है। ये देखिए आपको हल्की हल्की मूवमेंट दिखाई देरी होगी। ये देखिए ये सब निकल के जा रहे हैं अंदर जंगल की ओर। बड़ी बड़ी झाड़ियां होने के कारण ये हल्के हल्के दिखाई दे रहे हैं, और बड़ी अच्छी संख्या में है। और ये निकल के जा रहे हैं रिवर साइड। तो चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं आगे क्या देखने को मिलता है। दोस्तों शाम के वक्त वाइल्ड लाइफ काफी एक्टिव हो जाती है। इधर की साइड जा रहा है एक बंदर अपने छोटे बच्चे के साथ। तो दोस्तों ये जंगल है, यहाँ पे तेज निगाहें रखनी पड़ती हैं, क्योंकि कहीं से भी वाइल्ड लाइफ छुप के आपको देख रही होगी, तो आपको भी उन पे निगाह रखनी पड़ेगी, तभी आपको वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगी। तो चलते हैं आगे धनगढ़ी गेट की ओर, और इधर की साइड है धनगढ़ी गेट और म्यूजियम भी है। तो आगे की साइड काफी भीड़ दिखाई दे रही है, क्योंकि चल रहा है छुट्टियों का सीजन, ये आप देख सकते हैं। और इसे टिकाला के गेट के नाम से भी जाना जाता है, और बहुत सारी बसें भी दिखाई दे रही हैं, और टूरिस्ट करते हुए शाम के वक्त एंजॉय। तो चलते हैं धनगढ़ी नाले की ओर और देखते हैं क्या देखने को मिलता है धनगढ़ी नाले। दोस्तों इधर की साइड काफी ट्रैफिक दिखाई दे रहा है, पिछली बार हमने आपको दिखाया था अंदर नीचे की साइड एलिफेंट का पूरा ग्रुप। तो चलते हैं, और इधर की साइड काम फिलहाल पुल का जारी है। और ये देखिए पानी पड़ने से पानी भी फिर से बहने लगा। और चलते हैं जीरो पॉइंट की ओर और देखते हैं जीरो पॉइंट पे क्या देखने को मिलता है। दोस्तों हमें इस समय धनगढ़ी नाले की ओर और इधर की साइड दिखाई दे रहा है एक मखना एलिफेंट, जो कि इस तपती गर्मी में ढूंढ रहा है राहत का एहसास और जा रहा है जंगल की घने जंगल की ओर। और ये बिल्कुल अकेले गर्मी में परेशान होकर घूमता हुआ। हम जा रहे हैं जीरो पॉइंट की ओर और देखते हैं इधर साइड क्या देखने को मिलता है। और आज मौसम शाम के वक्त काफी खराब सा दिख रहा है, हो सकता है शाम के बाद फिर बारिश पड़े। तो चलते हैं फटाफट और आगे तक कवर करके फिर आएंगे वापस सुंदरखाल विलेज की ओर। दोस्तों इधर की साइड चल रही है तेज हवाएं, और यहाँ लिखा है बोर्ड पे ये कॉरिडोर मार्ग में फोटोग्राफी और जंगल में रुकना मना, क्योंकि यहाँ कहीं भी ये है बफर जोन, और यहाँ कहीं भी आपको टाइगर की
तगड़ी मूवमेंट दिखाई दे सकती है। देखिए दोस्तों, ये कर रहे हैं बहुत बड़ी गलती, और इधर की साइड जंगल में रुक के पी रहे हैं सिगरेट, और जगह जगह बोर्ड भी लगे हुए हैं कि जंगल में आग ना लगाएं। दोस्तों कहीं भी ऐसे जलती हुई माचिस से लग सकती है पूरे जंगल में आग, और ये रुकना भी हो सकता है काफी खतरनाक, क्योंकि ऐसे ही कहीं भी टाइगर अचानक कर सकता है आप पे हमला। तो चलते हैं जीरो पॉइंट की ओर और देखते हैं क्या है आगे वाइल्ड लाइफ की मूवमेंट। और दोस्तों हम आ गए जीरो पॉइंट की ओर, और इधर की साइड देखते हैं रुक के क्या देखने को मिलता है, क्योंकि अक्सर इधर की साइड तगड़ी साइटिंग देखी जाती है। तो दोस्तों शाम के वक्त इधर की साइड टाइगर की भी तगड़ी मूवमेंट दिखाई दे जाती है, और देखते हैं क्या है शाम के वक्त वाइल्ड लाइफ की मूवमेंट। दोस्तों हम आ गए जीरो पॉइंट की ओर, और सामने की साइड है मोहन विलेज और पीछे की साइड है चुकुम विलेज। यहाँ अक्सर आपको टाइगर की तगड़ी मूवमेंट दिखाई दे जाएगी। तो दोस्तों यहाँ से निकलेंगे आगे मोहन की ओर, और फिर देखते हैं वहाँ से आगे की साइड क्या देखने को मिलता है। फिलहाल शाम के वक्त इधर की साइड नीचे रुक के देखते हैं क्या देखने को मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ शाम के वक्त जीरो पॉइंट पे दिखाई दे रही है कुछ स्पॉटेड डियर की मूवमेंट। ये देखिए नीचे की साइड कुछ स्पॉटेड डियर मूव करते हुए। आपको कुछ स्पॉटेड डियर दिखाई दे रहे होंगे। दोस्तों आगे निकल के जाएंगे मोहन विलेज तक, और देखते हैं रास्ते में जो भी वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है। तो दोस्तों हमें इस समय इस सुंदर से ब्रिज की ओर, और ये देखिए इधर की साइड भी अक्सर इस एरिया में एलिफेंट क्रॉस करते हुए अक्सर दिख जाता है। तो दोस्तों यहाँ कहीं भी आपको अचानक टाइगर की मूवमेंट भी दिखाई दे सकती है शाम के वक्त, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है ये है कोर टाइगर टेरिटरी, और यहाँ कहीं भी आपको किसी भी वाइल्ड लाइफ की मूवमेंट अचानक दिखाई दे जाएगी। तो चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं क्या देखने को मिलता है। दोस्तों इधर की साइड से भागा एक सुंदर सा पीकॉक। ऊपर की ओर ये देखिए, ये तो फिर भाग गया नीचे की ओर। दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं मोहन विलेज की ओर, और इधर की साइड ढेर सारे मंकी बैठे हैं सड़क की ओर। ये देखिए दोस्तों मंकी बैठे हैं, और ये ट्रक वाले कितनी तेज स्पीड में ले जाते हुए। तो चलते हैं आगे और देखते हैं क्या देखने को मिलता है। नीचे की साइड है मोहन विलेज, और दोस्तों हम आ गए मोहन चौकी की ओर, और देखते हैं कि यहाँ से आगे की ओर क्या देखने को मिलता है, और आपको लेके चलेंगे एक नए गेट की ओर। यहाँ लिखा है सीमा समाप्त कोसी रेन। तो दोस्तों इधर की साइड है रिवर क्रॉसिंग, और इधर बोर्ड लगा है कृपया धीरे चलें, और इधर की साइड बने हुए हैं कुछ फॉरेस्ट के चौकियां। तो चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं क्या देखने को मिलती है शाम के वक्त इस रेंज में वाइल्ड लाइफ की मूवमेंट। यह लिखा है वन क्षेत्र अधिकारी कार्यालय, वन क्षेत्र मोहन। तो ये मोहन की रेंज में आता है, और इधर की साइड से रेंज बदल जाती है और चौकी भी दूसरी लगती है। तो चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं शाम के वक्त क्या है मूवमेंट। तो दोस्तों हम आ गए इधर नए गेट की ओर, और दोस्तों इधर की साइड
आपको देखने को मिलेगा एक और नया गेट जो कि लगता है मुहान रेंज में, और हो सकता है कि इसका नाम जो है वो मुहान के नाम पे ही पड़े। तो ये जो गेट है अभी बन के तैयार हो रहा है, फिर आने वाले समय में इधर की साइड जंगल सफारी भी होगी। और दोस्तों हमें इस समय नैनीताल जिले में, और ये गेट पड़ता है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो इधर साइड की जो बुकिंग होगी वो होगी अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से। तो आप देख सकते हैं इधर की साइड अभी गेट बन के हो चुका है, बिल्कुल तैयार। फिलहाल इधर जंगल सफारी अभी स्टार्ट नहीं हुई है। तो आप ये पूरा एरिया देख सकते हैं, ये है कोर टाइगर टेरिटरी, और इधर की साइड भी वाइल्ड लाइफ की तगड़ी मूवमेंट दिखाई दे जाती है। तो दोस्तों ये गेट का कुछ पीछे से आपको व्यू दिखाते हैं, और ये है अंदर बफर जोन, और इधर की साइड टाइगर लेपर्ड और एलिफेंट की तगड़ी मूवमेंट दिखाई देती है। और ये है कुछ गेट से पीछे की साइड से गेट का कुछ व्यू। तो दोस्तों ये है कोर टाइगर टेरिटरी, और इधर की साइड आने वाले समय में होगी तगड़ी जंगल सफारी, और आपको देखने को मिलेगा टाइगर। तो चलते हैं आगे और देखते हैं यहाँ के लोकल से कुछ इसके बारे में पता करते हैं।